ओम शांति। 18/8/2022 यानी 18 अगस्त 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा, मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा रूहानी यानी आत्मा के सर्जन हो। आत्मा सर्जन यानी होता है सर्जरी करने वाला, ऑपरेशन करने वाला। तो तुम आत्मा रूपी सर्जन हो और आत्मा रूपी प्रोफेसर हो, मतलब तुम्हारी आत्मा सर्जन का भी काम करती है, प्रोफेसर का भी काम करती है। तो तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना है, मतलब हॉस्पिटल कम खोलना है और कॉलेज ज़्यादा खोलना है। कॉलेज खोल के आत्माओं को एक ज्ञान देना है। ये लौकिक कॉलेज की बात नहीं हो रही है, ऐसा कॉलेज जिसमें आत्माओं को एक ज्ञान मिले, ठीक है, आत्मा को पवित्र बनने का एक ज्ञान मिले, ऐसा कॉलेज खोलने की बात बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल कम खोलना है, सर्जन का काम कम करना है, आत्मा का ऑपरेशन उतना ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन कॉलेज खोल के एक ज्ञान बहुत ज़्यादा देना है तुमको। आज का प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? आज का प्रश्न है कि बाप यानी परमपिता परमात्मा भी धर्म का स्थापन करते हैं, सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म की स्थापन करते हैं, जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, महात्मा बौद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, उसी तरह और धर्म स्थापक और धर्म भी स्थापन करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बाप के धर्म स्थापन में और धर्म स्थापकों के धर्म स्थापन में क्या अंतर है? तो उत्तर है, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बाप है, परमपिता परमात्मा है, वो सनातन धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन जो अन्य धर्म स्थापक हैं वो अपना नाम बनाते हैं कि मैंने धर्म स्थापन किया, जिंदगी भर उनका नाम अभी तक हम जानते हैं। क्रिश्चियन को क्राइस्ट ने स्थापन किया, बुद्ध धर्म को बौद्ध ने स्थापन किया, लेकिन बाप ऐसा कुछ नहीं करते, अपना नाम नहीं बनाते हैं, धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते हैं मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो फर्स्ट क्लास का प्रारब्ध बनाता हूँ। मतलब बाप कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे धर्म स्थापक नहीं कहलवाना है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ, मैं अपने बच्चों का नाम बनाता हूँ, मुझे अपना नाम नहीं बनाना है, ठीक है। बल्कि अन्य धर्म स्थापक अपना नाम बनाकर जाते हैं कि मैंने इस धर्म को स्थापन किया, लेकिन बाबा ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बाबा धर्म स्थापन करके चले जाते हैं और कहते हैं मुझे बादशाही नहीं करनी है, बादशाही अपने फर्स्ट क्लास के बच्चों को दे देते हैं, जो पवित्र होते हैं उनको दे देते हैं, ठीक है। गीत है रात के राही। ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है, इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोझरे जाने के लिए, अथवा शांति धाम पियर घर जाने के लिए। वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। मतलब तुम बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे अब जानते हैं कि ये बहुत घोर अंधियारा चल रहा है, अब तुमको उजाले में जाना है, ठीक है, तो अब तुम शांति धाम यानी पियर घर जाने के लिए तैयार हो। वह है पावन पियर घर, यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पियू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो, वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता यह भी है, वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो ना सके। बाबा कहते हैं जो बच्चा कह सके ऐसा बाप केवल बेहद का बाप ही है, परमपिता परमात्मा ही अपने बच्चे को बच्चा कह सकता है। बाप ही कहते हैं क्योंकि बच्चों के साथ घर ले जाना है, पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस एग्जाम से तुम एवर हेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो, सेवा यही है तीन पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो।
कुछ लोग बाबा से कहते हैं कि बाबा हमारे लिए कुछ सेवा बोलो, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए यही सेवा है, तीन पैर पृथ्वी ले लो, जो तीन पैर पृथ्वी नाप के ले लो और तीन पैर में अपना रूहानी कॉलेज और रूहानी हॉस्पिटल खोल दो, उसमें तुम जिन आत्माएं जो आत्माएं भटकी हुई है उनका ऑपरेशन करो सर्जन बन के, और जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको कॉलेज खोल के तुम ज्ञान दो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं, राय देते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम रूहानी हॉस्पिटल खोलो, आत्मा का हॉस्पिटल खोलो, जिसमें आत्मा की उपचार हो, आत्मा की दवाई हो, शरीर की बात नहीं की जा रही है। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो हॉस्पिटल कम खोलें, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलें, सबको एग्जाम देते जाएं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा, रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ खर्चा भी नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा का कॉलेज और आत्मा का हॉस्पिटल खोलने में कोई खर्चा नहीं है, मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, व्यवहार कार पुरुषों के हाथ में था, आजकल तो माताएं निकली है, तो अब तुम भी यह रूहानी सर्विस करते हो। बाबा कहते हैं पहले था तो महिलाएं सर्जन नहीं बन सकती थी, महिलाएं सर्जन प्रोफेसर नहीं बनती थी, महिलाएं ना तो प्रोफेसर बनती थी, ना तो सर्जरी करती थी, ना तो ऑपरेशन करती थी, लेकिन इस समय महिलाएं ही आगे बढ़ी हैं, महिलाएं ही आत्मा का सर्जन बनी हैं। तो यह तुम अब रूहानी सर्विस करते हो, एक ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी भी होती है, अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना है तो पेशेंट को बोलना चाहिए कि चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलें, वहाँ बड़े बड़े सर्जन हैं, छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपनी फीस ले लेते हैं, फिर समझते हैं यह हमारी जैसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बड़ा हॉस्पिटल बड़ा कॉलेज नहीं खोल सकते हो, तुम इतना ज्ञान नहीं दे सकते हो, इतना ज्ञानवान नहीं हो, तो तुम छोटा ही खोल लो। अगर तुम जैसे क्या होता है हॉस्पिटल में, जब कोई मरीज आता है और छोटे हॉस्पिटल के बस में नहीं रहता तो वो बोल देता है कि तुम बड़े हॉस्पिटल में जाओ, तो अगर जो आता है तुमसे ज्ञान लेने अगर वो तुम्हारे ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है तो तुम उसे बड़े हॉस्पिटल में भेज दो, जहाँ बड़े बड़े सर्जन होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी होंगे वहाँ भेज दो उसे। तो ऐसे सेंटर खोल, बोर्ड लगा दो, तो मनुष्य बंदर खाएंगे ना, यह तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है, भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है, ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों बरसाना ले में। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है, मन वचन कर्म सो भी रूहानी, मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं, मन मनाभव और मध्याची भव। बाप और बरसे को याद करो, दो वचन हुए ना, बरसा कैसे लिया कैसे गवाया, यही है चक्र का राज। बूढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए हमको सिखलाओ, बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते, तब तो नाम बाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है, कोई भी तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं है। बाबा कहते हैं बूढ़े लोग भी समझा सकते हैं, बूढ़े लोग भी ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो कोई विद्वान और पंडित नहीं दे सकता है। जब बूढ़े लोग भी ज्ञान देंगे तब ना अपना नाम बाला करेंगे, तब ना ऊंचे पद पर पहुंचेंगे। चित्र भी बहुत सहज है, हाँ अब जिसकी तकदीर में नहीं है राजाई पद, वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं बाबा की हो गई, वह तो आत्माएं बाप की है ही, आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वह कब आते हैं, यह समझाना है। बाबा कहते हैं किसी को अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं बाबा की हो गई बस हो गया, बाबा की तो तुम पहले से ही थी, बाप की तो तुम आत्माएं वो ऐसे भी थी, तुमको ये नहीं समझना कि मैं बाबा की हो गई, बाबा की तो तुम ये समझने से कुछ होने वाला नहीं है कि मैं बाबा की हो गई बस मेरा जीवन उद्धार हो गया, बाबा की तो तुम पहले से भी थी,
बाबा की तो तुम पहले से बच्ची ही थी, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, ज्ञान कैसे मिलता है, यह समझना है। कब आते हैं, कैसे आते हैं, यह समझना है। केवल यह नहीं समझना कि मैं बाबा की हो गया या हो गई। आएंगे भी संगम पर, समझाते हैं सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म, 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते नहीं, कितनी सहज बात है। दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना, बूढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। यह दुनिया के अनुभवी भी हैं, किसको यह बैठ समझाएं तो कमाल कर दिखाएं। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगे, तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझ समझ कर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम वाला करें, और बहुत मीठा बनना चाहिए, मोह ममत्व तो निकल जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि ये बुढ़ियों को तो ज्ञान लेने का, ज्ञान देने का बहुत शौक होना चाहिए, उनको बाबा का नाम बाला करना चाहिए, उनको बहुत मीठा होना चाहिए, मोह ममत्व निकाल देना चाहिए, क्योंकि मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है, तो क्यों ना हम ऐसे ही बुद्धि योग रखें। बाबा कहते हैं बुढ़ियों को तो ये सोचना चाहिए कि हम 2-4 रोज तो और जीना है, तो हम क्यों ना बाप से बुद्धि योग लगाएं, जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरह से ममत्व मिटा देवें। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, वह तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाएं तो कितना ना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, यह नॉलेज, यह ज्ञान बड़ा आश्चर्यजनक है। बोलो देखो, कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही अब बाप आकर स्वर्ग का बरसा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वह तो छोटा बच्चा है, उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला? जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। तुम समझा सकते हो कि बराबर इन्होंने पुरुषार्थ से यह प्रारब्ध बनाई है। बाबा कहते हैं तुमको लोगों को ऐसे समझाना है, जिसको समझाने जाओ तुम बच्चे तो ऐसे समझाओ कि अब कलयुग पूरा हो रहा है, सबका मौत सामने खड़ा है, अब कलयुग के अंत में ही बाप आकर एक जान देते हैं, बरसा देते हैं। अब कृष्ण को तो बाप तुम लोग कह नहीं सकते हो, क्योंकि कृष्ण तो छोटा बच्चा है, लेकिन हाँ, उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला, ये जरूर सोचने वाली बात है। तो सतयुग का राज्य उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तब मिला होगा, उन्होंने कुछ पुरुषार्थ किया होगा तब उन्होंने इतना नाम बनाया। कलयुग में पुरुषार्थ किया है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है, मतलब सतयुग में नाम पाया है, वहाँ तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है, जरूर एक ऊंचते ऊंच बाप मिला है, जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं, और कोई बना ना सके। ठीक है, सतयुग में तो कोई पुरुषार्थ वाला होता नहीं है कि सतयुग में पुरुषार्थ करने से सतयुग के राजा बने, वो कलयुग में ही पुरुषार्थ, कलयुग के लास्ट संगम युग में पुरुषार्थ करने से वो कृष्ण बने हैं, वो अपना नाम बनाए हैं। जरूर बाप ही मिला है, लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला, वह है निराकार। भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवान अनुवाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। भगवान अनुवाच माने भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ, मैं तुम्हारा नाम रोशन करता हूँ। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, स्थापना यहाँ ही करनी है, कराने वाला तो एक बाप ही है, और जो धर्म स्थापन करते वह एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना जाते हैं, बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है। बाबा कहते हैं कि धर्म तो स्थापन बाप ही करते हैं, हाँ, जो बाद में और धर्म स्थापन करते हैं वो तो बाद में आते हैं, लेकिन वो फिर धर्म स्थापन करके अपना नाम भी बनाते हैं, लेकिन बाप को अपना नाम नहीं बनाना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं बादशाही नहीं करता हूँ, यह ड्रामा बना बनाया है। मतलब बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं बादशाही करता नहीं हूँ, अपने बच्चों को बादशाह बना देता हूँ। बाप बैठ समझाते हैं,
मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वह है उतरती कला, अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला सर्व का भला, सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आ जाते हैं, मतलब 16 कला से उतरते उतरते कोई कला नहीं बचती, ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है, यह तो है बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम होती है, थोड़ा काला बन जा पड़ते हैं, इसलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए, कम क्यों ले में? बाबा कहते हैं, अगर तुम त्रेता में जन्म लेते हो या सतयुग से त्रेता में जाते हो तो 2 कला कम हो जाती है, थोड़ा काला बन जाते हो, इसलिए तुमको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि त्रेता में नहीं आना है, तुमको सतयुग में ही आना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। परंतु सभी तो इम्तहान पास नहीं कर सकते जो 16 कला संपूर्ण बने, बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा कहते हैं, सभी बच्चे, जितने बच्चे अभी एग्जाम में हैं, सभी तो परीक्षा को पास नहीं कर सकते, 16 कला संपूर्ण सभी नहीं बन सकते जो सभी सतयुग में आ सके, तुम सबको पुरुषार्थ करना भी है, कराना भी है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो, बाप स्वर्ग की रचना करते हैं तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? यह पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है, फिर जरूर नई दुनिया सतयुग आना चाहिए। बस बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं, यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में पाएंगे। बाबा कहते हैं कि कॉलेज चाहे लौकिक वाला हो चाहे अलौकिक वाला हो, उसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है, मतलब ऐसे झूठ मूठ की बात नहीं होती है, वहाँ प्रैक्टिकली बात होती है, ठीक है। तो जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका रिजल्ट इसी जन्म में पा जाते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है रूहानी कॉलेज की पढ़ाई, तुम पढ़ाई इस जन्म में करोगे लेकिन इसका रिजल्ट तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते हैं? अगर रूहानी पढ़ाई जो है उसका रिजल्ट अगर इसी जन्म में पाना चाहते हो तो कलयुग में कैसे आएंगे देवी देवता? ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए तुम रूहानी कॉलेज की जो पढ़ाई करोगे वो तुम्हें अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है, चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की, सबका अपना अपना पार्ट है। यह भी जानते हो भक्ति की आधा कल्प होनी है, उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं, मैं उनसे नहीं मिलता हूँ, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं, आधा कल्प है ज्ञान आधा कल्प है भक्ति। मतलब कहा गया है कि आधा कल्प में भक्ति होती है, आधा कल्प में ज्ञान होता है, तो भक्ति में यज्ञ होता है, तप होता है, तीर्थ होता है आदि सब होते हैं, पूजा पाठ होता है। तो बाप कहते हैं कि मैं उस पूजा पाठ से भक्ति तीर्थ से नहीं मिलता हूँ, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं मिलता हूँ। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ चित्र हो बिगर लिखत उस पर भी समझा सकते हो, चित्रों की तरफ अटेंशन चाहिए, इसमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते हैं, तुमको जो पेड़ होते हैं उसके जैसे, उस पेड़ को देख कर भी तुम लोगों को समझा सकते हो कि जैसे पेड़ खड़ा रहता है वो डिगता नहीं है झुकता नहीं है, वैसे भी तुमको अपने एग्जाम में एकदम खड़ा रहना है, चित्रों की तरह टेंशन रहना है। ऐसे थोड़े ही है कि शरीर लोन लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे, नहीं समझेंगे, मैं किराएदार हूँ यहाँ, यह ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं, बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे, इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना किया, छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक ने भी पिछले साल प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना कर दी है, यह भी बातें लोग समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा किसी बड़े तन में प्रवेश करके क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और
जो सिख धर्म की स्थापना नानक गुरु नानक ने किया वो भी किसी अच्छे शरीर में तन में प्रवेश करके किया, ऐसे ही बाबा ब्रह्मा के तन में आकर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। यह बातें वह लोग समझ नहीं सकते, यह बहुत समझ की बातें हैं। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापना करती है। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस यानी पहला राजकुमार, उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं, यह भी तुम जानते हो। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह किसकी बुद्धि में नहीं है? तुम जानते हो बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि कृष्ण ने तो ज्ञान दिया ही नहीं, जिसने उसको बनाया पहले तो उसकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यह तो है ही रात जिसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। बाबा कहते हैं कृष्ण जन्म पर तुम्हें यह बताना है, लोगों को एक ज्ञान देना है कि जो गीता का एक ज्ञान था तो कृष्ण ने दिया ही नहीं। तुम पहले जो कृष्ण को बनाया है शिव, यानी पहले शिव जयंती मनाओ फिर कृष्ण जयंती मनाना, ठीक है? यहाँ तो है ही रात जिसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था अभी सांवरा बन गया है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जयंती पर तुमको सबको समझाना है कि कृष्ण गोरा था अभी सांवरा बन गया है, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है। कितना सहज एक ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है, चक्र कैसे फिरता है, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया यह किसको पता नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियाँ भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर जा सकते हो, बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं तुमको सुखधाम का रास्ता बताने, तो है समझेंगे यह हमारे शुभचिंतक हैं। यहाँ कर्नस की बात नहीं, पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि हम बरोबर अपने लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इन्होंने की है। बाबा कहते हैं तुम जो बाबा के बच्चे ज्ञान ले लिए हो वो तुम चित्र लेकर पहुंच जाओ किसी के घर और बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो तो हम ही तुम्हारे घर आ गए हैं तुमको सुखधाम का रास्ता बताने, तो जिसके घर जाओगे वो सोचेगा कि हमारे घर आया है ज्ञान देने, मतलब हमारा शुभचिंतक है, ठीक है? लेकिन बाबा कहते हैं हो गया कोई बात नहीं, पिछाड़ी में सब समझेंगे कि हमने अपनी लाइफ व्यर्थ गंवा दी, अपना जीवन व्यर्थ गंवा दी, असली लाइफ तो इनकी है जिन्होंने पहले एक ज्ञान ले लिया, ठीक है? मतलब बाबा बता रहे हैं कि बाद में ये लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं वो बाद में सोचेंगे कि हमने तो अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, जीवन तो हक के इसका लग गया जिसने अपनी लाइफ में भगवान को जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है नष्टो मोहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है, देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है, मुख से हर एक को एक ज्ञान के दो वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। वरदान है बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा जो है उसका तो परिवार पूरी दुनिया है फिर भी वो किसी चीज की टेंशन नहीं लेता, बेफिक्र रहता है, सब कुछ जानते हुए बेफिक्र रहता है, ऐसे तुम भी बाप को फॉलो करो, तुम भी बेफिक्र रहो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप उसके मास्टर रचयिता हो। बाबा कहते हैं इस वायुमंडल पर अपना प्रभाव बनाओ, वायुमंडल क्योंकि वायुमंडल के रचयिता तुम हो, वायुमंडल तुम्हारी रचना है, रचिता का रचना के ऊपर प्रभाव हो, मतलब जिसने जिसको बनाया तो उसके ऊपर तो उसका दबाव होना चाहिए, तो तुम्हारा दबाव वायुमंडल के ऊपर हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन है प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे, ठीक है? ओम शांति।